हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के विराट और उसके हैरियर जेट्स के बारे में। विराट इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको इस साल रिटायर किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे शिप होते हैं जिनके ऊपर से फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से कोई भी नेवी पूरी दुनिया में समंदर के रस्ते अपनी पावर प्रोजेक्ट करती है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि US अकेले 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करता है और उसके कंपैरिजन में बाकी पूरी दुनिया 10 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है और उसका नतीजा आपके सामने है। दुनिया में कहीं पे भी लड़ाई चल रही हो, US वहां पर अपनी नेवी की हेल्प से पहुंच सकता है। इंडियन नेवी हमेशा से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करने का ट्राई करती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से INS विराट अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो इंडियन नेवी के पास था। INS विराट को 1987 में इंडिया ने ब्रिटेन से परचेज किया था, लेकिन उससे पहले से ही ये 1959 से ब्रिटेन की रॉयल नेवी में हर्मीज के नाम से काम कर रहा था। Hermes, Britain's latest aircraft carrier, was handed over to the Navy off the Isle of Wight. Hermes has the best carrier equipment in the world. She'll have fighters, helicopters, and early warning radar planes. Good luck to Hermes and all who sail in her. उस टाइम पे इंडिया के पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था जिसका नाम था INS विक्रांत, और इस तरह से पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडियन नेवी के पास एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। INS विक्रांत ने अपनी इंपॉर्टेंस 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में ऑलरेडी दिखा दी थी जब उसने कराची का ब्लॉकेट कर दिया था, और उस ब्लॉकेट की हेल्प से पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वॉर टाइम में पूरी तरह से क्रैश कर गई थी और इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत प्रेशर में आ गया था। एनीवेज, 1983 में इंडिया ने ब्रिटेन से साथ में परचेज किए थे हैरियर जेट्स। हैरियर जेट्स बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग हवाई जहाज है क्योंकि ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकते हैं और वर्टिकली लैंड कर सकते हैं। दैट मीन्स इनको ना तो ज़्यादा बड़े रनवे की ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं कि वो रनवे पक्के रनवे हों, ये खेतों में फील्ड्स पे आराम से लैंड कर सकते हैं। इस हवाई जहाज में लगे हुए थे 4 एग्जॉस्ट वॉल। पायलट अपने कॉकपिट से इन एग्जॉस्ट वॉल के डायरेक्शंस को चेंज कर सकता था, और इसके अंदर लगा हुआ रॉल्स रॉयस का पेगासस टर्बोफैन इंजन इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता था कि उन 4 वॉल्स की वजह से ये प्लेन सीधा का सीधा हवा में उड़ जाता था, और एक बार हवा में उड़ने के बाद धीरे धीरे इनकी डायरेक्शन चेंज करके फिर इसको टेक ऑफ कर दिया जाता था। दुनिया भर में बहुत कम एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस टेक्निक को इवन ट्राई भी किया हो, और उसका रीज़न है क्योंकि इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग लगती है। INS विक्रांत के 1997 में डिकमीशन हो जाने के बाद INS विराट ने अकेले ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला। INS विराट और हैरियर जेट्स की हेल्प से इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाया और दूसरे देशों के साथ अपने अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। साथ ही साथ जिन एरियाज में पायलट्स का बहुत ही ज़्यादा दबदबा रहता था, वहाँ पर मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करके इंडियन नेवी ने यह इंश्योर किया कि इस एरिया के थ्रू बिजनेस सही से चलता रहे। 2013 में इंडियन नेवी ने रशिया के बनाए हुए INS विक्रमादित्य को इंडक्ट किया, और उसके साथ ही फिर से वो टाइम आया जब इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। लेकिन ये टाइम ज़्यादा लंबा नहीं रहा और इस साल INS विराट डिकमीशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि 1-2 सालों के अंदर INS विक्रांत की फिर से एंट्री हो रही है इंडियन नेवी में। ये INS विक्रांत इंडिया में खुद का बनाया हुआ शिप है जिसका नाम इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर विक्रांत ही रखा गया है। क्या पता कुछ सालों बाद हमें फिर से INS विराट के नाम से एक और शिप इंडियन नेवी में देखने को मिल जाए। एनीवेज, 57 ईयर्स के सर्विस के बाद में INS विराट को अब एक म्यूजियम में चेंज किया जाएगा ताकि लोगों को इसकी कहानी जानने का एक मौका मिले, और अगर ऐसा होता है तो ज़रूर जाइएगा इसकी कहानियाँ सुनने के लिए। एनीवेज दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।